This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioned at Syed Ali Chabutra near Shah Hotel. असलम नाजरीन आप सबका खैर मकदम है एटीन तेलंगाना न्यूज़ पर आइए देखते हैं आज मंडे में दस तारीख का खसूस खबरनामा तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कल एक इजलास मुनद करने वाले हैं तेलंगाना हुकूमत पर कोरोना के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन का जोर डाला जा रहा है इसलिए कल बरोजे 11 मई को केसीआर तेलंगाना में लॉकडाउन होगा या नहीं इस पर फैसला करेंगे ये इजलास प्रगति भवन पर मुनद किया जाएगा तेलंगाना रियासत में बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए नाइट कर्फ्यू फायदेमंद नहीं रहा इसलिए के लॉकडाउन पर सोचेंगे तेलंगाना में और इस ताल्लुक से लॉकडाउन के दौरान फायदे और नुकसान के ताल्लुक से भी बताया जाएगा अब हैदराबाद में आई नई बीमारी कोरोना का खौफ अभी खत्म भी नहीं हुआ और ब्लैक फंगस नामी बीमारी फैलना शुरू हो गई जी हाँ कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि हैदराबाद के, के ताल्लुक रखने वाले पांच करोना मरीजों को ब्लैक फंगस नामी बीमारी हुई है पिछले दो तीन हफ्तों से ये पेशेंट्स इस बीमारी से मुतासर है डॉक्टर ने ये, ये ब्लैक फंगस बीमारी कोरोना पेशेंट की इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचा रही है और इस बीमारी से अचानक इंसान के ऑर्गेन्स भी फेल हो सकते हैं यानी कोरोना मरीजों के लिए ब्लैक फंगस खतरे की घंटी है किंग कोटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की लगातार कमी के वजह से कोरोना के सात मरीजों की मौत वाकई हो गई बताया जा रहा है कि किंग कोटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो जाने पर जट चेला से एक ऑक्सीजन टैंकर को तलब किया गया था और ये किंग कोटी हॉस्पिटल में लेट पहुंचने से सात कोविड 19 मरीजों की मौत वाकई हो गई किंग कोटी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने बताया कि कोरोना मरीज तश्वीशनाक हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और वो ऑक्सीजन की खिलत से नहीं उनकी तबीयत बिगड़ जाने पर मौत हुई है करोना मरीज होशियार हो जाए बिना सोचे समझे अपना ट्रीटमेंट खुद ना करे एक बेहतरीन डॉक्टर की सलाह ले अगर करोना मरीज खुद ही एंटीबायोटिक्स और इंजेक्शंस ले रहे हैं तो वो अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं और उन्हें मूकोर माइकोसिस जैसे दिगर बीमारियां भी हो सकते हैं होशियार रहे अगर कोरोना के अलामत दिखे जैसे खांसी बुखार वगैरह तो डॉक्टर की सलाह ले तेलंगाना रियासत में संडे के दिन करीब चार हजार नौ सौ छिहत्तर जदीद कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए और 35 कोरोना मरीजों की मौत हुई संडे के दिन पचपन सैंपल्स टेस्ट किए गए थे तेलंगाना रियासत में जी एच एम सी हदूद हैदराबाद में आठ केसेस दर्ज हुए इस मुद्दे पर कांग्रेस एमपी रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत में सिर्फ पचपन हजार सैंपल्स ही टेस्ट किए गए अगर ऐसे ही हाल रहा तो तेलंगाना सीएम केसीआर के सी कोरोना केसेस को कैसे कम करेंगे उल्टा करोना केसेस बढ़ जाएंगे कोरोना टेस्टिंग में इजाफे की सख्त जरूरत है जैसे कि आप सब जानते हैं इंडिया भर में करोना की दूसरी लहर चल रही है और इंडिया के कई स्टेट्स ने लॉकडाउन लगा दिया है इस करोना केसेस को कम करने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अप्रैल की उन्नीस तारीख से अभी तक यानी मई दस तारीख तक लॉकडाउन नाफिज किया था और महाराष्ट्र में अप्रैल की अठावीस तारीख से मई की पंद्रह तारीख तक लॉकडाउन नाफिज किया है और अब ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना की बारी है लॉकडाउन होने के लिए क्योंकि तेलंगाना रियासत में अचानक कोरोना केसेस में इजाफा नजर आया है जिसके ताल्लुक से कल ऐलान हो जाएगा तेलंगाना हुकूमत से करीमनगर नगर के बीजेपी लीडर असद कुछ दिनों से मुसलसल ए आई एम आई एम सदर वी हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सोशल मीडिया पर धमकियां दे रहे हैं और नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ इसी वजह से एक्शन लेते हुए मोहम्मद इरफान ए आई एम आई एम ने करीमनगर के असद बाउंड बीजेपी लीडर पर एफ आई आर दर्ज किया दफा सड़सठ आई एक्ट के तहत और दफा 506 सौ के तहत ऐसे ही अहम खबरों के लिए एटीन तेलंगाना न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें ब्यूरो रिपोर्ट ए एटीन तेलंगाना न्यूज